आज की ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो यूपी बिहार सहित उत्तर भारत के लोगों को खूब सताएगी गर्मी, बारिश की संभावना नहीं। उत्तर भारत में मानसूनी बारिश लगभग समाप्त होती नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब हरियाणा यूपी जैसे उत्तर भारत के राज्यों में आज पूरी तरह से बारिश जो है ये राज्य जो है पूरी तरह से बारिश से वंचित रहेंगे। वही बिहार सहित पश्चिमी और मध्य भारत की स्थिति खाँचे ऐसी नहीं है। राजस्थान एमपी और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी लोगों को यहाँ पर गर्मी जो है सताएगी। वही मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मौसम विभाग ने बारिश की आशंका से यहाँ पर इनकार नहीं किया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी जो है उत्तर भारत से गया नहीं है। 2 सितंबर के बाद छोटी अवधि के लिए बारिश का दौर जो है फिर से उत्तर भारत में शुरू हो सकता है। वही बीते दिनों भारी बारिश के चलते भूस्खलन से 2-4 होने वाले उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में भी हल्की बारिश आज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ जो है अभी हिमालय की तलहटी के साथ चल रही है। वही दक्षिण उत्तरी पूर्वी भारत में मानसूनी गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। बताया गया है कि लक्षद्वीप और उत्तरी जो केरला का इलाका है, उत्तर केरला के तट पर एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसी तट पर एक ट्रफ रेखा जो है दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के निचले स्तर पर कोमरन छात्र तक फैली हुई है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 24 घंटे यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह केरल लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। यहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वही तमिलनाडु कुछ स्थानों पर, उत्तरी पूर्वी हिमालय पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश विदर्भ कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र और बिहार और झारखंड के भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, इस तरह का अपडेट जो है मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर जो आंकड़ा जो है वो निकल के सामने आ रहा है। वही एक बार आपको बारिश का आंकड़ा बताते हैं कि इस बार कितनी बारिश जो है इस बार देश में कितनी बारिश हुई है, कितनी कम यहाँ पर बारिश हुई है। तो आंकड़ा जो है मौसम विभाग का उसके मुताबिक अभी फिलहाल जो है देश में जो है बारिश का आंकड़ा अभी फिलहाल बहुत ही यहाँ पर कम है, यानी बारिश जो है कम हुई है। वही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश को लेकर अभी फिलहाल कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 2 तारीख बाद एक नया सिस्टम जो है उत्तर भारत में सक्रिय होगा, उसके कारण बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। वो भी उत्तरी राज्यों में, जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जरूर जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से भी इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 2 तारीख के बाद जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। वही राज्यवार मौसम की अगर बात करें तो ग्वालियर यहाँ पर एमपी की सबसे पहले मौसम की बात करें तो ग्वालियर में तापमान जो है अभी 35 डिग्री है। बारिश के होने से 25 शहरों में गर्मी बढ़ चुकी है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जो है एमपी के लिए जारी किया है। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश में मानसून ब्रेक होने से दिन का तापमान बढ़ गया है। ग्वालियर में पारा 35 डिग्री पहुंच गया है, जबकि प्रदेश के 25 शहरों में 30 डिग्री से ज्यादा तापमान रहा है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है एमपी के अंदर, बाकी यहाँ पर सभी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। एमपी के बाद झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में भी इस बार जो है बारिश की संभावना यहाँ पर जो है कम ही जताई गई है। दरअसल झारखंड में मानसून कमजोर पड़ा हुआ है। मानसून कमजोर होने के असर से तापमान में भी यहाँ पर जो है बढ़ोतरी होने लगी है। वही राज्य सहित कई शहरों में तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य के किसी भी हिस्से में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना फिलहाल नहीं है। आज राज्य के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। मानसून कमजोर पड़ने का असर भी इसका माना जा सकता है। अब राज्य में किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना बहुत ही कम यहाँ पर जताई गई है। बात करते हैं हिमाचल के मौसम अपडेट की, तो हिमाचल में अभी मानसून की वापसी नहीं हुई है। डायरेक्टर यहां पर जो बोले कि बेशक बारिश कम हुई है मगर जहां पर जाने के संकेत जो है वो नहीं मिले हैं। दरअसल बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बेशक मानसून धीमा पड़ गया हो मगर अभी इसके यहां पर विड्रो होने के आसार नहीं है। प्रदेश में मानसून जाने की नॉर्मल डेट जो है 24 सितंबर है, इस बार इसके जल्द ही अलविदा कहने के संकेत नहीं है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के जो निदेशक है डॉक्टर सुरेंद्र पॉल, उन्होंने बताया कि देश में मानसून जो है इससे वेस्ट की ओर जाता है, वह वेस्ट से ईस्ट की ओर यहाँ पर जाता है। लिहाजा राजस्थान से मानसून विड्रो शुरू करेगा, लेकिन राजस्थान में अभी जो है मानसून सक्रिय है, इसलिए हिमाचल में भी तय समय के आसपास ही मानसून जो है वो यहाँ पर तय समय के बाद ही जो है मानसून जाने की बात कही गई है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट की, तो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है।